बस यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा लग रहा है कि सेकेंड फिल्म आ रही है मेरी और इनकी पहली फिल्म है. इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है और बहुत ही मेहनती लड़की है और मुझे बहुत खुशी है कि जिन्होंने टीज़र देखा है जो ऑनलाइन देखा है एटलीस्ट तो उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया. अब देखेंगे कि ऑडियंस को आगे कैसा लगता है. इंट्रोड्यूस करेंगे आप फिल्म को? जी हाँ, ये है नवनीत ढिल्लन, ये है मेरी फिल्म की हीरोइन लवशुदा की. और आगे आप अपने बारे में खुद ही बोलिए. थैंक यू गिरीश. हाँ जी, मुझे ये फिल्म करने में भी बहुत मज़ा आया एंड हमारी पिक्चर बहुत यंग लोगों से, कॉलेज स्टूडेंट से कनेक्ट करती है. तो डेफिनेटली आज जो टीज़र का रिस्पांस मिला है वो बहुत खूबसूरत है. आगे आगे आप ट्रेलर देखेंगे, बहुत सारी नई नई चीज़ें आने वाली. अभी तो सिर्फ आपको टीज़ किया है, अभी तो ट्रेलर पिक्चर बाकी है. अभी तो बहुत कुछ बाकी है एंड बहुत कुछ अलग आने वाला है एंड सो देखते जाइए. काफ़ी समय बीत गया, मतलब 2 साल हो गए. हाँ जी, आपने लास्ट फिल्म की थी. जी जी जी. खासकर इसके लिए काम कर रहे थे आप, तैयारी कर रहे थे? अरे यार, किसी ने मुझे सीरियसली नहीं लिया यार. मैं बोला यार मैं करना चाहता हूँ काम, मुझे अच्छा काम दो. ऐसा नहीं था कि बट स्क्रिप्ट बहुत ओके ओके सी आई तो मैं बोला यार काम करूँगा तो अच्छा करूँगा, नहीं तो फिर यू नो आने का फ़ायदा क्या. तो बस हाँ, और मुझे लगता है कि फाइनली देर आए दुरुस्त आए और एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म है और बहुत ही यंग फ्रेश फिल्म है और गाने भी इंशाल्लाह अच्छे लगेंगे लोगों को. लेट्स सी. लव स्टोरी? अरे आप जो समझना चाह रहे हो वो है यार. कितना डिप, बहुत सारी फिल्में बनती लव स्टोरी आधारित होती हैं. जी, ये कितनी डिफरेंट होने वाली है जी. अभी बिना ज़्यादा कुछ फिल्म के बारे में कहे मैं इतना कहूँगा कि ये फिल्म जितनी अच्छी दिखती है कि जिस फन है, फन भी है, इमोशन भी है, सब है. इट्स अ गुड फिल्म. आप नर्वस हैं क्या? फर्स्ट पहली फिल्म है, यू नो. मैं नर्वस तो नहीं हूँ, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ बिकॉज पता है कि पिक्चर बहुत अच्छी बनी है एंड जब आप भी देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा पिक्चर देखने में. बिकॉज हमारी पिक्चर डेफिनेटली, जैसे गिरीश ने कहा कि आप लव स्टोरी कहें तो लव स्टोरी है, बट ये काफ़ी एक कॉन्ट्रडिक्शन है प्रैक्टिकल लाइफ और प्यार की ज़िंदगी में. सो जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं उससे थोड़ी हटके है एंड सबको देखने में बहुत मज़ा आएगा. जी गिरीश जी, आप अभी तक तो शादीशुदा तो सुना था, लवशुदा क्या है, कुछ समझाएंगे इस बारे में? अरे आपने खुद ही कह दिया, जैसे शादीशुदा था वैसे लवशुदा होता है. लवशुदा मतलब लव स्ट्रक, बराबर शादीशुदा मतलब शादीशुदा वाला. ये लव स्ट्रक किस तरह करेक्ट है इसमें? अब बहुत ही करेक्ट है क्योंकि देखिए एक इंसान, एक लड़का है, उसकी लाइफ में लड़की आती है और किस तरह से उसकी लाइफ पूरी तरह से एकदम बदल जाती है, ये एक्चुअली कहानी है. और जो प्यार के लिए क्या कुछ कर बैठता है, तो अभी लवशुदा तो हो गई. That's it. Thank you so much. Thank you.
कुछ नहीं है बॉस, लड़कियों के साथ बस स्वीट रहो, बस क्या बोला, स्वीट, बी नाइस, टीट देम, टेक केयर ऑफ देम, ट्रीट देम लाइक गॉडेसेस एंड जस्ट सो कैन यू टेल आवर फ्रेंड्स व्हेन इज दिस फिल्म रिलीजिंग इन थिएटर्स, प्लीज प्लीज टेक योर फ्रेंड्स, टेक योर फैमिली विद द इन द मूवी एंड एंजॉय. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर, यू हैव बीन अ वंडरफुल क्राउड, थैंक यू गाइस एंड ओके सो चैट चैट आई एम लाइक टू सिंग अ फेलोज इन चैट. Okay, on the count of three. Three! Coming from Russia through, Colossian will rock like never before. You saw us coming, you saw us grow. Colossian will rock. Okay, sir, can I take a selfie with you? Lele. Show off the banta, Instagram will add up there. Cool. Thank you so much for coming here.